तो दोस्तों आज हम यहाँ की झिरी काटेंगे। ये जितने भी कमरे देख रहे हैं इन सभी में आज हम झिरी काटेंगे। इसमें पाइप फिटिंग करेंगे। उसके लिए आप हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो बॉक्स है ये सचर का बॉक्स होता है, इसमें कितने स्विच आएंगे और हमको कितने पॉइंट लगाने हैं, कौन से कमरे में लगाने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें स्विच कितने आ रहे हैं। हाफ है तो हमने कंसील एक डाला है, एक दो, एक छज्जे में तीन है, दो छज्जे बाथरूम है, तीन दो पांच है, और एक दीवार पर है, पांच एक छः, जो कि हमारा बल्ब का पॉइंट है। ये हमें यहाँ पर ये साचा का बॉक्स लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगा कि हमने डब्बी हमको कहाँ पे लगाना है, कितने हाइट में लगाना है, उसका एक अंदाजा होता है। फर्श के, छत के हाइट के हिसाब से हम लगाते हैं। उसके लिए हमें छत से पांच ईंटें गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पांच। हम ये पांचवें ईंट पर ही अपना जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। और हम ये बॉक्स कितने हाइट पर लगाएंगे उसके लिए हमें ये फर्श के हाइट के हिसाब से लगाएंगे। हमारा एक रादा तो जो ईट है ये तो फर्श में दब जाएगा, और एक ईट छोड़ करके हमें 14 से 15 ईट के ऊपर ये बॉक्स लगाएंगे, जो कि एक मैक्सिमम हाइट होता है 4 से 4.5 फुट के करीब होता है। अब हम इसकी गिनती करके इसको 14 से 15 ईट के ऊपर हम इसको लगा देंगे बॉक्स को। और इसी हाइट के हिसाब से हमारा जितने भी बॉक्स लगाएंगे वो सारे के सारे इसी हाइट पे आएंगे बॉक्स हमारा। अब मैं ग्राइंडर मशीन चलाऊंगा, और उससे पहले मैं अपने चेहरे पे ये कपड़ा बांध लूंगा, ताकि जो ग्राइंडर चलाएंगे जो दीवार से निकलने वाला जो धूल है वो हमारे नाक में ना जाए। आप जब भी ग्राइंडर मशीन चलाए तो हमेशा चश्मा और मास्क या फिर कपड़े का जरूर प्रयोग करें। अब हम ग्राइंडर मशीन चलाएंगे। ये हमने जितने रादे गिने थे पांचवे ईंट के ऊपर ही हमने ये बॉक्स बनाया है, जो कि यहाँ पर हमारा अब बल्ब का पॉइंट बन गया है। पर वहाँ पर है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा बॉक्स लगेगा इस तरफ, यानी कि 1 फुट हमारा सीधी लाइन में कटेगा वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीध में। तो इसके लिए हमें ये सीढ़ी है उस तरफ लगा देंगे बोर्ड की तरफ में। और आप जब भी सीधी ग्राइंडर चलाए तो हमेशा ग्राइंडर को दोनों हाथ से पकड़ ले या फिर मजबूती से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना जो ग्राइंडर है ये बैक मार देता है जिससे।
हमने ये ग्राइंडर इस तरफ भी चला दिया है। इसको हमें ये सीधी चलाएंगे जो कि बॉक्स के पास हमारा ये जाएगा। यहाँ पर हमारा बॉक्स है जो हमें ग्राइंडर मशीन से यहाँ पे निशान लगा देंगे ताकि हमको ईंट तोड़ने में आसानी हो। हमने आपको जैसे बताया था सेम वैसे ही हमने ये ग्राइंडर चलाया है और नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हमने इसको कैसे तोड़ा है और कैसे पाइप फिटिंग किया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।